Hello everyone, welcome to the session. You are watching Brilliant Biology and I am your educator Monica Yadav. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटिक का सेकंड जीनस हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्केंशिया। इससे पहले वीडियो में हमने रिक्सिया के बारे में डिस्कस किया था, उसकी वेजिटेटिव फीचर्स, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसका रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, और साथ ही हमने कहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के वो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे। आज उसी तरीके से हम लोग मार्केंशिया के लिए भी डील करेंगे, उसका हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, इतने टॉपिक्स कवर होंगे मार्केंशिया के अंदर। ये वीडियो भी आपका पार्ट वन एंड पार्ट टू में आएगा और साथ ही साथ हम लोग वो पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जहां से एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केंशिया आपका ब्रायोफाइट का जीनस है और ये क्लास हिपैटिकोप्सिडा का ही मेंबर है। हिपैटिकोप्सिडा के बारे में मैंने बताया था कि वो ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि कॉमनली इन्हें हम लीवर वॉर्ट्स कहते हैं और इनको लोअर ब्रायोफाइट्स की तरह कंसिडर्ड किया गया है। ऑर्डर क्या है? मार्केंशियल्स है, फैमिली मार्केंशियसी है और जीनस क्या है आपका? मार्केंशिया है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी थैलॉइड होती है, मतलब आप देखकर इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। देखने में आपको ये लगेगा कोई थैलस से कोई मास टाइप का स्ट्रक्चर है वहां पर। तो अगर हम बात करें इसके हैबिटेट की और डिस्ट्रीब्यूशन की कि मार्केंशिया आपके कहाँ मिलते हैं, किस जगह पर इनका क्या कहते हैं ग्रोथ होता है, तो ये जो मार्केंशिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनस है अपनी फैमिली का मार्केंशियेशी। ठीक है, लगभग इस फैमिली में 65 स्पीशीज को रिपोर्ट किया गया है और जो मार्केंशिया है उसमें से मोस्ट कॉमन है और आपके सिलेबस में भी इसी को रखा गया है। तो बात करते हैं ये जो मार्केंशिया है ये नाम कैसे पड़ा। ये एक डायरेक्टर के नाम भी पड़ा है, फिल्म के डायरेक्टर नहीं, बोटानिकल गार्डन था वहाँ के डायरेक्टर थे निकोलस मर्चेंट, उनके ऑनर में इस स्पीशीज का नाम रखा गया मार्केंशिया। अगर हम बात करें ये कहाँ मिलते हैं, तो पहली बात तो ये टेरेस्ट्रियल नेचर की होते हैं, मतलब आपको लैंड पे ग्रो करते हुए दिखेंगे और हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ज़्यादातर ये ऐसी जगह को प्रिफर करते हैं जो मॉइस्ट हो और शेडी हो, मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे प्लेसेस होने चाहिए जहाँ पर बारिश भी हो रही है तो मॉइस्चर हमेशा बना हुआ है, शेडी एरिया है, बड़े बड़े ट्रीज वहाँ पर हैं और टेम्परेचर वो लो रहे वहाँ के एरिया का, तो उस जगह पर मार्केंशिया ग्रो करते हैं। अब ऐसे कौन से एरिया होते हैं, तो ऐसे होते हैं आपके वुडलैंड्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम, वुड रॉक्स हो सकते हैं, शेडेड स्टब रॉक्स हो सकते हैं, मतलब छोटी छोटी जो घाटियां पहाड़ियां होती हैं उनकी साइड में जो जगह होती है जहां पर छाया आ रही होती है और पानी भी टपक रहा होता है वहां पर ये सारी मार्केंशिया की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है। इंडिया में लगभग 11 स्पीशीज को रिपोर्ट किया गया है जिसमें से जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, मार्केंशिया पालमाटा, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया सिमलाना, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज, मतलब सबसे ज्यादा आपको कौन सी मिल रही है, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा स्पीशीज आपको इंडिया में देखने को मिलती है। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद आप जो हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, मतलब देखने में मार्केंशिया कैसा दिखता है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो पढ़ने से पहले आप लोग इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का कुछ ऐसा दिख रहा होगा जैसे पत्तियां पड़ी है, बट ये पत्ती नहीं है, ये पूरी की पूरी मार्केंशिया की बॉडी है और आप इसमें देख सकते हो कि इसका जो थैलस है उसमें आपको कोई भी जड़, तना ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसकी थैलॉइड की होती है, मतलब ट्रू स्टेम लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, फ्लैट होती है, जमीन पे पड़ी रहती है, प्रोस्ट्रेट तरीके से ग्रो करती है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं मार्केंशिया के, साथ ही साथ डायकोटोमसली ब्रांच होती है। डायकोटोमसली ब्रांच का मतलब आप देखो यहाँ पे इसका दो लोब ऐसे करके निकले हैं, फिर यहीं से ब्रांचिंग होगी, फिर दो लोब ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे करके दो लोब जाएंगे, तो ये जो दो दो में ब्रांचिंग हो रही है ना इसी को डायकोटोमसली ब्रांचिंग बोला जाता है। ठीक, तो ये कुछ देखने में मार्केंशिया ऐसा रहता है। ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसे हम डॉर्सल सरफेस कहेंगे और जो जमीन की तरफ पड़ा हुआ होगा उसे हम लोग वेंट्रल सरफेस का नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डॉर्सल सरफेस में क्या क्या मिल रहा है उसे हम लोग देखते हैं। डॉर्सल सरफेस अगर आप देखेंगे तो ये किस कलर का दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का दिखता है और इसके पास एक मिडरिप लाइक का स्ट्रक्चर होता है, मतलब बीच में आपको देखो ये डिप्रेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रॉपर मिडरिप नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि एक ग्रूव टाइप का इसमें प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ही आपकी छोटे छोटे से पॉलीगोनियल एरियाज होते हैं जिन्हें हम लोग एयर चैम्बर्स या एरोली कहते हैं।
ये जो मिडरिब होती है ये एक शैलो ग्रूव से आपको वेंट्रल सरफेस में भी देखने को मिलेगी, मतलब ऊपर तो दिख रही है लेकिन जब आप इसको पलट के देखोगे तो वो भी वहां पर भी आपको थोड़ा सा इसका उभार नजर आएगा कि हाँ वहां पर कुछ ना कुछ मिडरिब प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बाउंड्रीज की, तो ये जो बाउंड्रीज होती है एयर चैम्बर से सेपरेट होती है और एयर चैम्बर्स ऊपर की तरफ खुले होते हैं एयर पोर पे। आपको ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सारे क्या है, एयर पोर है जिनसे गैसियस एक्सचेंज को देखा जाता है। डॉर्सल सफियर्स पे और तो कोई चीजें नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वो वेजिटेटिव भी हो सकते हैं और सेक्सुअल भी हो सकते हैं। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें यहाँ पर जेमा कप कहा गया है। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो जेमा कप होता है वो एक यूनिक शेप का होता है। कहते हैं यहाँ का जेमा कप क्रीसेंट शेप का होता है। क्रीसेंट शेप का मतलब है हाफ मून लाइक, ठीक है। ये जैसे आधा चंद्रमा होता है कुछ उसी तरीके से यहाँ पर आपकी ये करके जेमा कप प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर छोटी छोटी सी आपकी जेमा लगी होती है। यही जेमा जो होती है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। ये जब इस कप से अलग हटके टूट के जमीन पे गिरती है तो वहां पर नया मार्कंशिया का प्लांट आपका बन जाता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, क्रीसेंट शेप मैंने बता दिया है और ये लगभग 1 to 8 inch का डायमीटर, इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल स्ट्रक्चर से मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एंथ्रीडिया एंड उगोनिया भी देखने को मिलेंगे। उगोनिया नहीं, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में हम लोग उसको आर्चिगोनिया कहते हैं, तो आपको एंथ्रीडिया देखने को मिलेगा और आर्चिगोनिया देखने को मिलेगा। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है और वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें अगर वेंट्रल सरफेस की, मतलब अब थैलस को क्या किया है, हमने पलट दिया, ठीक है। आप देखो ये थैलस अभी उस तरफ का था, डॉर्सल सरफेस का था तो स्मूथ था, लेकिन जैसे ही उल्टा देखा हमने इसको पलट के, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ हेयर लाइक के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो वो हेयर्स क्या होते हैं, वेंट्रल सरफेस पे ही आपके प्रेजेंट होते हैं स्केल्स एंड राइजॉइड्स, ठीक है। मार्केशिया में जो वेंट्रल सरफेस है वहां पर स्केल्स एंड राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्केल्स होती हैं वॉयलेट कलर की होती हैं। इसका रीजन क्या है, वही रीजन है कि इसमें एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है जो कि डिजॉल्व होकर पूरी स्केल में वॉयलेट कलर उसको देता है। स्केल्स मल्टी सेलुलर होती हैं लेकिन वन सेल की थिकनेस में होती हैं, 2 to 4 row में ये अरेंज होती हैं। अब क्या है कि इसमें जो स्केल्स मिलती हैं 2 types की मिलती हैं, ये आपको नाम याद रखना है, MCQ क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन हर जगह ये इंपॉर्टेंट है, कौन से 2 type की स्केल्स मार्केशिया में मिलती हैं। तो पहली जो मिलती है वो है अपेंडिकुलेट स्केल और दूसरी है लिगुलेट स्केल, ठीक है। जो अपेंडिकुलेट स्केल है वो कहाँ मिल रही है, इनर रो बना रही है स्केल की, ठीक है। जो अंदर वाली रो है वो कौन बना रही है, अपेंडिकुलेट बना रही है, और जो बाहर वाली मार्जिनल रो बना रही है वो कौन सी स्केल्स बनाएंगी, लिगुलेट स्केल्स बनाएंगी। यहाँ पे डी वाला अगर आप डायग्राम देखोगे तो इसमें देखो ये अपेंडेज निकला हुआ है ना, ये स्केल थी इसके ऊपर एक अपेंडेज निकला हुआ है तो ये अपेंडिकुलेट स्केल है। और ई वाला डायग्राम देखो सिंपल सा है, कोई अपेंडेज नहीं है यहाँ पर, तो ये लिगुलेट स्केल है। तो ये 2 type की स्केल्स आपको देखने को मिलती है। साथ में मैंने बताया कि इसमें राइजॉइड्स भी मिलते हैं वेंट्रल साइड में, और ये राइजॉइड क्या काम करेंगे, जो काम हायर पेड़ों में जड़ों का होता है, वहां पर पेड़ को वो अटैच करके रखते हैं और मॉइस्चर वगैरह खींचते हैं, वही काम राइजॉइड का होता है मार्केशिया में या फिर अदर ब्रायोफाइट्स में। ये राइजॉइड क्या करते हैं, पहले तो आप देखो यहाँ पे जो राइजॉइड्स मिलते हैं ना वो भी 2 तरीके के मिलते हैं, स्केल तो 2 मिल रही थी, राइजॉइड भी 2 तरीके के मिलते हैं। एक तो मिलते हैं सिंपल, मतलब जिसे हम कहते हैं स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, और दूसरे मिलते हैं ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। सिंपल में क्या होता है, ये देखिए एक राइजॉइड का स्ट्रक्चर है, बी वाला अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये राइजॉइड का स्ट्रक्चर है। ये जो इसकी बाहर वाली बनी है ये इसकी आउटर वॉल है, और ये जो अंदर बनी है ये इसकी इनर वॉल है। तो आप देखो आउटर वॉल भी कंटिन्यू जा रही है, इनर वॉल भी कंटिन्यू जा रही है, कोई भी इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। ये होते हैं आपके स्मूथ वॉल राइजॉइड, स्मूथली चल रही है तो स्मूथ वॉल राइजॉइड। वही आप दूसरे राइजॉइड देखोगे कि आउटर वॉल तो ठीक है भाई, वो तो सही सही जा रही है, लेकिन क्या हुआ है इसमें आप इनर वॉल को देखोगे तो कुछ टाइम तक सीधे चलती है, फिर ऐसे पेग लाइक प्रोजेक्शन, फिर सीधे, फिर पेग लाइक प्रोजेक्शन, फिर सीधे, फिर पेग लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो छोटे छोटे से उभार निकलते हैं ये निकलते हैं ल्यूमन में अंदर की तरफ कैविटी में, और ये क्या कहलाते हैं, पेग लाइक प्रोसेसेस कहलाते हैं, जिसकी वजह से इसकी आउटर और इनर वॉल स्मूथ नहीं रह पाती है। आउटर तो रहती है, इनर वॉल नहीं रह पाती है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा उसमें कुछ बिंदी बिंदी पड़ी हुई है, वो प्रोजेक्शंस होते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स, ठीक है। डायग्राम से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्मूथ वॉल में दोनों वॉल स्मूथ है लेकिन
ट्यूबरकुलेट में दोनों वॉल स्मूथ नहीं है, सिर्फ आउटर वॉल स्मूथ है, इनर वॉल में पेग लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो राइजाइट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्मूथ वॉल होते हैं एंड ट्यूबरकुलेट होते हैं। स्मूथ वॉल में बोथ इनर एंड आउटर वॉल पूरी तरीके से स्ट्रेच होती है और सीधी सीधी चल रही होती है। वहीं अगर आप ट्यूबरकुलेट में देखोगे तो इनर वॉल थोड़ा सा अपने आपको मॉडिफाई करती है, पेग लाइक की इनग्रोथ कर लेती है अंदर की तरफ, ल्यूमन की तरफ, और वो थोड़ा सा देखने में अलग हो जाती है। ठीक है, अगर राइजोइड के काम की बात करें तो मैंने बता दिया ये थैलस को, जहां पर भी थैलस ग्रो कर रही है उसको वहां से अटैच करके रखेगा, साथ ही पानी को अब्सॉर्ब करता रहेगा वहां से, मिनरल को अब्सॉर्ब करता रहेगा सॉइल से, और पूरे की प्लांट बॉडी में पहुंचाता रहेगा। स्केल्स का काम क्या करता है? स्केल्स क्योंकि मार्जिन पे प्रेजेंट है तो पेड़ की मार्जिन जो होती है ये वाला एरिया डेलिकेट होता है, यहाँ पे जब स्केल्स होती हैं तो ये इसको प्रोटेक्शन का काम देती हैं ताकि वहां पर थैलस का डेसिकेशन ना हो, वो पूरी तरीके से वहां पे प्रोटेक्ट होकर ग्रोथ करती रहे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है उस पर हम लोग बात करेंगे उसकी एनाटॉमी के बारे में, मतलब मार्केशिया जो थैलस की थी उसका हमने देख लिया कि वो दिख कैसी रही थी। अब हम देखेंगे कि जब उसका सेक्शन काटेंगे तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। तो मार्केशिया का जब हम लोग थैलस काटते हैं, इसका सेक्शन काटते हैं, तो इसका जो आपका रीजन है वो दो रीजन में हमको देखने को मिलता है। एक रीजन मिलता है जिसे हम अपर रीजन कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ए वाला डायग्राम, अगर आप लोग देखो यहाँ पे आपको दो रीजन साफ साफ दिख रहे होंगे। एक रीजन दिख रहा होगा जो ये वाला रीजन। अब हम लोग बात करेंगे मार्केशिया की एनाटॉमी के बारे में, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केशिया की बॉडी में इंटरनल हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अभी हमने मॉर्फोलॉजी देख ली, मतलब बाहर से कैसा दिख रहा था, बट जब हम मार्केशिया का सेक्शन काटते हैं तो अंदर उसकी क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सपोज यहाँ पर मैंने बनाया है कि ये हमारा मार्केशिया की थैलस का मटेरियल था और इसका मैंने यहाँ से इसका TS काटा है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है। जब मैंने यहाँ से ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो मुझे कुछ इस तरीके का रीजन देखने को मिला। एक रीजन देखने को मिला ये जो अपर रीजन है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो रीजन है ग्रीन कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है, और जो दूसरा रीजन मुझे देखने को मिला वो मुझे ये नीचे वाला रीजन देखने को मिला जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये रीजन मुझे देखने को मिला। अब ये दो अलग अलग रीजन क्या है? तो इसमें जो दो रीजन देखने को मिलते हैं, अपर वाले रीजन को हम कहते हैं अपर फोटोसिंथेटिक जोन, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मिल रहा है तो इसे हम कहते हैं अपर फोटोसिंथेटिक जोन। वहीं इसके नीचे जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है ये कौन सा रीजन है? ये है लोअर स्टोरेज जोन, ठीक है, ये कैसा है? लोअर स्टोरेज जोन, क्योंकि ये नीचे मिल रहा है। अब जैसा नाम वैसा काम, जो नाम जैसा पड़ा हुआ है वही वाला ये लोग काम कर रहे हैं। जो फोटोसिंथेटिक रीजन है ये क्या करता है? ये करता है आपकी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस से कोई भी पेड़ अपना क्या बनाता है? अपना फूड बनाता है। तो ये वाला रीजन फोटोसिंथेसिस करता है और जो खाना बनता है ये खाना कहाँ जाता है? एक्स्ट्रा खाना नीचे वाले रीजन में स्टोर हो जाता है। इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। ये तो दो रीजन में डिवाइड है, लेकिन इसके अलावा अगर हम पढ़ें कि सेल्स कैसी होती हैं, तो आप देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऊपर जो आपको दिख रही है ये मान लीजिए इसका डॉर्सल व्यू था, ठीक है, और ये नीचे वाला इसका वेंट्रल व्यू था। डॉर्सल व्यू पे आपको क्या दिख रहे हैं? छोटे छोटे से ये छेद दिख रहे हैं, ये क्या है? एयर पोर है, ठीक है। तो मार्केशिया की थैलस में ऊपर की तरफ एयर पोर प्रेजेंट होते हैं। फिर आप आओगे तो ये एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इस थैलस को वर्टिकल सेक्शन में पढ़ते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीजें लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होंगी। तो सबसे बाहर जो आपको ये लेयर दिख रही है जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, ये क्या होती है? ये होती है इसकी अपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? ये है अपर एपिडर्मिस। अब आप देखो ये अपर एपिडर्मिस कंटिन्यू नहीं है ना, बीच में कहीं ना कहीं इसका ये देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये जो अपर एपिडर्मिस कंटिन्यू नहीं होती है, बीच में एक पोर से डिस्टर्ब होती है, इसी पोर को हम नाम देते हैं एयर पोर, ठीक है। बाहर की तरफ जो डॉर्सल सरफेस पे आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे थे ये यही वाले हैं, एयर पोर है। नेक्स्ट आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर देखोगे कुछ वर्टिकल सेल्स लगी हुई हैं एक के ऊपर एक, और ये सिंगल भी हैं और ये ब्रांचिंग फॉर्म में भी लगी हुई है, मतलब ये सिंगल लेयर में ऐसे ऐसे लगी हैं और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर देखो ये ब्रांचिंग बनाई हुई है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है इसके फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और कैसे होते हैं? ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं। रिक्सिया के केस में आपने देखा था कि वहां पर बस ये एपिडर्मिस थी और यहाँ पर अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स थे, बट मार्केशिया के केस में ये एपिडर्मिस होती है और यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिखती है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट में, ठीक है, ये दो ब्रांचिंग इसकी निकली हुई है यहाँ पर।
नेक्स्ट आप नीचे की तरफ आओगे तो ये आपको दिखेंगे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो बनाती हैं स्टोरेज एरिया, क्योंकि फूड यहीं पर स्टोर होता है। यहाँ पर आप देखो कुछ ऑयल सेल्स भी मिलेंगी, कुछ म्यूसिलस सेल मिलेंगी जिसके अंदर म्यूसिलस सब्सटेंस भरा होगा और उनके अंदर रेटिकुलर थिकनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। फिर नीचे की तरफ क्या है आपकी, अगेन लोअर एपिडर्मिस है जो नीचे की तरफ खत्म हो रही है और लोअर एपिडर्मिस से ही आपकी स्केल्स एंड राइजॉइड्स निकले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये होता है मार्केशे की एनाटॉमी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एक और डायग्राम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भी मार्केशे का टीएस कट किया गया है। तो ये वाला जो रीजन, इतना रीजन है ये इसका है अपर फोटोसिंथेटिक जोन, और ये जो नीचे वाला रीजन है इतना, ये है इसका लोअर स्टोरेज जोन। तो दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर आपको देखो ये ब्रांचिंग वाले फिलामेंट्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है आपके क्लोरेनकाइमा सेल्स है जिन्होंने फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स बनाए हैं। ये पूरी इपिडर्मिस गई हुई है यहाँ पर, ये देखिए आप दोनों तरफ ये इपिडर्मिस गई हुई है, साथ में यहाँ पर एयर पोर प्रेजेंट है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है, और ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं ये सारे आपस में लगे हुए, इन्होंने क्या बनाया है स्टोरेज एरिया बनाया है और इनके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है। एक और डायग्राम था आपके समझाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मार्केशिया के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, किसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। मार्केशिया में जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है वो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड से देखा जाता है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अपने पार्ट टू वीडियो में। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंड पार्ट टू वीडियो का वेट करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।